बात बड़ी अजीब है और चौंकाने वाली भी है। भला लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली महिला कैंडिडेट के पास रिवॉल्वर है और उन्हें किससे खतरा हो सकता है, और खासकर ऐसी स्थिति में जबकि उनके पति खुद आईएएस अधिकारी हूँ। लेकिन ये सच है, लोकसभा के शहडोल से चुनाव लड़ रही प्रमिला सिंह के पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर है और इसी वजह से उन्हें रिवॉल्वर रानी भी कहा जाता है। प्रमिला सिंह को टिकट कांग्रेस ने दिया है और उनके बारे में कहा जाता है कि वे अपने क्षेत्र में बेहद लोकप्रिय रही हैं। शहडोल उनका कार्यक्षेत्र भी रहा है। इन दिनों वे मतदाताओं के बीच घूम घूम कर अपने पक्ष में जमकर प्रचार प्रसार कर रही हैं। भारी गर्मी के बीच वे मतदाताओं के बीच पहुंच जाती हैं। अब देखने वाली बात यह है कि प्रमिला सिंह के नाम पर एक लाइसेंसी रिवॉल्वर है ही, लेकिन उनके पति जो कि आईएएस अधिकारी हैं, उनका नाम है अमरपाल सिंह, उनके पास एक पिस्तौल और एक रिवॉल्वर लाइसेंस भी है। सवाल इस बात का है कि एक ही घर में पति के पास दो लाइसेंसी गन है और पत्नी के पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर, भला ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण एक ही घर में तीन तीन लाइसेंसी हथियार रखे गए हैं। अब इनकी संपत्ति की अगर बात करें तो प्रमिला सिंह ने अपनी संपत्ति 72 लाख बताई है और उनके पास 52 लाख की अचल संपत्ति है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि 35 लाख का लोन भी ले रखा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।